राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेबी ऊन से जो है छोटे बच्चे का पोंचो बनाएंगे, लेकिन ये न्यू बोर्न का नहीं है, ये सीधा हमारा 1 साल से 3 साल तक के बच्चे के लिए हम बनाएंगे। तो इसलिए हमने बेबी ऊन लिया है, क्योंकि बेबी ऊन थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये बच्चे को थोड़ा चुभता नहीं है और अच्छा भी लगता है। तो ये हमने इस तरीके की 25 ग्राम का एक गोला होता है, ये पैकेट होता है पूरा डिब्बे में, जो कि 6 गोले होते हैं। तो देखते हैं हमारे कितने लगते हैं, तो ये बाद में पता चलेगा कि एक पोंचो में, क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से किसी डिज़ाइन में ज़्यादा ऊन लग जाता है, किसी में हमारा कम ऊन लगता है। तो हम इसे बेबी ऊन से बनाएंगे और इसको इस ऊन में हमारा जो है 10 नंबर का क्रोशिया लगेगा। तो 10 नंबर का क्रोशिया भी देखिए, दोनों 10 नंबर के क्रोशिया हैं, लेकिन कंपनी की वजह से ये बिल्कुल लोकल है जो हमारा स्टील का। और ये देखिए हमारा ये पोनी का है जो कि 3.75 mm, तो ये भी 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का है। तो इससे भी जो है हम कभी किसी हम बनाते हैं, दूसरा कोई बनाता है तो नाप में फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि देखिए इन दोनों के साइज में भी फ़र्क है। तो इसको 10 नंबर से अब बनाना है, जो भी आपके पास 10 नंबर का क्रोशिया हो। तो इसमें मैं कोई आपको चेन नहीं बताऊंगी कि नेक से शुरू करेंगे तो कितनी चेन, क्योंकि हमने पहले चेन बनाई थी तो लोगों को ये है कि भी किसी का हाथ लूज होता है, किसी का टाइट होता है, तो उससे वो चेन कम या ज़्यादा हो जाती है। तो हम इंच टेप से नाप लेके इस पोंचो को बनाएंगे। तो आपको 2 नाप लेने हैं, जैसे कि जिस बेबी का मैंने बनाया है, उनकी मदर से मैंने बोला नाप लेने के लिए, तो उनका बेबी का जो सर 1 साल का ही बेबी है, तो मैं उसको आगे बड़ा बनाना चाहती हूँ, तो उनका 1 साल के बेबी का ही सर की जो गोलाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको सर की गोलाई ले लेनी है बच्चे की, जिसका भी आप बना रहे हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। आप ये वाला पोंचो कितने भी बड़े बच्चे का बना सकते हो, बड़ी लेडी का बना सकते हो, किसी का, तो बस आपको जो है इस तरीके से गोलाई में नाप लेना है। ये देखिए, जैसे ये न्यू बोर्न का आपको बनाना है तो 16 इंच है। अगर आपको बीच का साइज बनाना है, जैसे 1-2 साल तक के बच्चे का, तो आपको 18 इंच के करीब बहुत रहता है, और उससे बड़ा बनाना है तो 20 इंच, और एडल्ट के लिए बनाना है तो आपको 24 इंच के लिए जो नेक है बहुत रहता है। अगर आपको बड़ा नेक बनाना है तो उसके अंदर आप डोरी डाल सकते हैं, उसको छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हमारा जो नाप दिया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा है उस बच्चे का, 1 साल के बच्चे का नाप 20 इंच है। तो 20 इंच इस तरीके से देखिए बहुत ज़्यादा है छोटे बच्चे का, लेकिन मैं इसको 20 इंच ही तैयार करूँगी, इसमें लूज़ नहीं रखूँगी। तो हम 20 इंच एक लंबी चेन बनाएंगे और उसके हिसाब से हम इसको बनाएंगे। अगर उन्होंने थोड़ा सही नाप नहीं भी दिया होगा मुझे, तो उसमें हम डोरी डाल के नेक को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लास्ट में सिंगल क्रोशे की एक अच्छी टाइट लाइन बनाकर भी नेक को छोटा बड़ा किया जा सकता है। और दूसरा नाप हमें चाहिए हाथ का, हाथ की लंबाई, क्योंकि हमें पोंचो जो बनाना है उसमें, जैसे बेबी है, बेबी के जैसे ही छोटा बेबी है इसका, ऐसे हमने हाथ का पूरा लंबाई, ये देखिए ये 7 इंच है, ये छोटा है। तो उन्होंने मुझे, मैंने उंगलियों तक उनको नापने के लिए बोला था, क्योंकि बड़ा साइज बना रहे हम 3 साल तक बच्चे को आ जाए, तो 12 इंच यानी कि 1 फुट के करीब हाथ की उन्होंने मुझे लंबाई बताई है बच्चे की। तो इसी के हिसाब से हम ये पोंचो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके अलावा आप जो है इस तरीके के मार्कर भी रख लीजिए, अगर आपको ज़रूरत लगती है निशान लगाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेन बनाते हैं 20 इंच लंबी, जो मेरे हाथ में अच्छे से सही चलता है क्रोशिया, जैसे उसी के हिसाब से मैंने क्रोशिया लिया है। तो ये मैं इस तरीके से चेन बनाना शुरू करूँगी, तो मैं चेन गिनूँगी नहीं, सीधा सा अपना हम इस तरीके से बना लेंगे पूरा 20 इंच। तो ये हम थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि भी आप खींच के लेते हो, या जैसे देखिए जितना क्रोशिया में उसी हिसाब से, जैसे ऐसे आप खींच दोगे इसको तो चेन आपकी छोटी हो जाएगी, जिससे कि आपकी जितनी मैं चेन बताऊंगी तो इसका हिसाब गलत हो सकता है। तो इस तरीके से आप एक लंबी चेन बना लीजिए जो कि 20 इंच, अगर आपका बेबी का सर बड़ा नहीं है तो आप 18 इंच के करीब जो बना सकते हो, लेकिन मैंने जैसे बताया आप नाप ले लेंगे, और 1 इंच ज़्यादा लूज डाल लीजिए, तो आप इस तरीके से एक लंबी चेन बना लीजिए।
चेन हमने बना लिया। अब इसको हम नाप लेते हैं। आप इस तरीके से यहाँ से जहाँ से हमने चेन बनानी शुरू करी थी यहाँ पर इंच टेप पे ऐसे रखिए और हल्के हाथों से ऐसे करते हुए इसको नाप लीजिए कि हमारी कितनी इंच की चेन बनके तैयार हो गई। अलग से इसको खींचना नहीं, आराम से इस तरीके से, तो उसी में हल्का सा खिंचाव हो जाएगा आपका। तो ये देखिए हमारी चेन जो है 19.5 बन के तैयार हुई है। तो मैं एक दो चेन और बना लेती हूँ जिससे ये हमारी पूरी 20 इंच हो जाए। तो मैं एक और ये दो तीन चेन मैंने बना लिया है। अब मैं फिर से यहाँ पर 20 इंच पर इस तरीके से क्रोशिया रखती हूँ और फिर से ऐसे नाप लेती हूँ। ये देखिए तो ये हमारी पूरी 20 इंच के चेन बन के तैयार हो गई है। अगर मैं इनको गिनती हूँ तो ये मेरी 90 चेन बनी है। तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप 90 चेन से शुरू कीजिए, क्योंकि आपका 90 चेन में बड़ा भी बन सकता है। क्रोशिया का जैसे मैंने फ़र्क बताया, ऊन का फ़र्क बताया, तीसरा हाथ का फ़र्क। तो ये चीज़ आप इंच टेप से ही नाप के बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने सर की गोलाई के हिसाब से जो है चेन बना लिया है। अब सेकेंड स्टेप क्या है हमारा कि यहाँ से इसको आपस में जोड़ना है नेक को हमें। तो यहाँ से इस तरीके से चेन को आपको पकड़ना है, ये नहीं कि आपने उठाया और यहाँ से जोड़ दिया, उससे ये आपकी चेन कहीं कहीं ऐसे घूम जाएगी तो उससे आपका दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से आपको चेन को पकड़ते हुए ऐसे ले जाना है। हम गर्मियों में पोंचो बना रहे हैं जिससे कि आपको सर्दियों में ईजी रहे बनाना। तो ये देखिए ऐसे चेन लेनी है, देखिए, और यहाँ से हम इन्हें आपस में जोड़ देंगे। ये देखिए, असल में मैंने बच्चे को बर्थडे गिफ्ट देना था इसलिए फिर अब मैं बना रही हूँ थोड़ा सा, कि भाई टाइम से बन के हो तो किसी टाइम भी आप जो है किसी को गिफ्ट कर सकते हो। तो देखिए हमने ये आपस में जोड़ दिया है। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। जहाँ से हमने जोड़ा इस जो हमारा सिरा है इसको हम इसी के साथ में रख लेंगे या फिर बाद में ठीक कर लेंगे। तो यहाँ से इसी चेन में से हमें पफ स्टिच लेना है। ये देखिए ऐसे घुमाया और इसी चेन में से एक बार ऐसे लिया हमने, फिर एक बार ऐसे घुमाया, फिर दूसरी बार स्टिच ली हमने डबल क्रोशे की, फिर एक बार ऐसे घुमाया और ये तीसरी बार हमने स्टिच ली। तो सारी हमारी क्रोशे के अंदर है। अब हम सबको एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए ये तो ऐसे हमने बनाया है। अब हम पूरे में ऐसे ही बनाएंगे, हम कोई कोना अभी तैयार नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं हमारी कितनी चेन है। तो हम पूरा एक जैसा बना लेंगे, उसके बाद हम इसको जो है शुरू करेंगे और इसमें से हमारा डोरी भी निकलेगी तो अच्छा रहेगा। आपको बाद में बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेक जैसे आपका बड़ा हो जाता है तो यहाँ आप बाद में अलग से सिंगल क्रोशिया की एक लाइन कर सकते हैं, उससे आपका नेक जो है छोटा भी हो जाता है। तो चलो वो तो बाद की बात है, अभी हम बनाते हैं। अभी हमने पफ स्टिच बनाया है यहाँ पर, 1, 2 इस तरीके से 2 चेन बबनाएंगे और यहाँ से 1, 2, 3 तीसरी चेन में हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ से ऐसे निकाला, 1। आप 4 बार भी बना सकते हो लेकिन मेरे पास ऊन कम ना पड़ जाए इसलिए मैं सेफ साइड थोड़ा सा 3 बार ही बना रही हूँ। अभी मुझे आइडिया नहीं कितना ऊन लगेगा इस डिज़ाइन में। 2 और ये 3, मतलब कि 3 टाइम मैंने इसको इस तरीके से बनाया है। और ये देखिए फिर से इस तरीके से सारे निकाल दिए और ये 1 और ये जो निकाला मैं 2 का फिर 1 कर दिया। फिर देखिए एक बार, 1, 2 चेन बनाई और यहाँ से भी तीसरी चेन में 1, 2, 3 यानी कि जो थर्ड चेन है 1, 2, 3 थर्ड चेन जो है उसमें से हमें पफ स्टिच लेना है। यहाँ से 1, 2 और ये 3 3 टाइम 4 टाइम ये आपकी इच्छा है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हम बाद में नेक में डोरी डालने के काम आ जाएगा। तो हम पूरा इसी तरीके से बनाएंगे क्योंकि जो कोना बनाया जाता है तो उसके लिए आपको पूरा हिसाब करना पड़ेगा। अब एक एक चेन तो हम गिनेंगे नहीं, पता नहीं हमारी कितनी चेन बन जाए। बड़े नेक में तो और ज़्यादा चेन बन सकती है, तो ये मोटी वाली स्टिच हम गिन सकते हैं, उससे हम हाफ हाफ कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है। फिर 1, 2 और 1, 2, 3 तीसरी चेन में पफ स्टिच। इस तरीके से हम पूरा सर्कल अपना पहले बना लेंगे। देखिए ऐसे निकाला, फिर 2 स्टिच है इसको, 2 का 1।
फिर एक दो, इस तरीके से हमने पूरा यहाँ से घूमकर यहाँ तक आ जाना है। ये जो तीन चेन ली थी यहाँ हमें जोड़ देना है, इसको किनारे पे आ गई, यहाँ से हमने शुरू किया था। अब यहाँ पर हम चेन गिन लेते हैं अपनी, एक दो तीन चार पाँच छः है, तो तीन इधर यानी कि बीच में हमारी एक स्टिच आएगी बस, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर भी हम तीन, यानी कि हम तीसरी में कर रहे थे जैसे एक दो तीन यहाँ तीसरी में, तो यहाँ से एक दो तीन यहाँ तीसरी में करेंगे तो दोनों हमारी स्टिच जो है मिल जाएगी आपस में, यानी कि हमारा थोड़ा सा यहाँ से लूज आएगा, या तो हम दो स्टिच डाल दें पास पास में। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है जिससे कि आपका जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि आप गिनती में जो है फ़र्क नहीं हो। तो इससे पहले क्या है कि हम इसको पूरा सिर्फ हम यहाँ एक स्टिच डाल के यहाँ से जोड़ दें, उससे पहले हम जो स्टिच है उनको गिन लेते हैं, क्योंकि हमें ये आधा आधा इस हिसाब से रखना है। तो हमारी ये स्टिच यानी कि राउंड फिगर जो हमारा आराम से आधा आधा हो जाए उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो एक बार हम गिन लेते हैं कि हमें कितनी स्टिच यहाँ पर बढ़ानी है, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस। ये तीस अभी हमने बनाई है यानी कि थर्टी, तो थर्टी का तो पंद्रह पंद्रह हो रहा है, अगर हमारी यहाँ एक ही आएगी तो ये 31 हो जाएगी। तो हम एक हमारी एक्स्ट्रा मतलब कि, तो हमें यहाँ दो स्टिच हर हालत में चाहिए जिससे कि मतलब कि 32 हो जाए हमारी, तो जिससे हमारा दोनों जो है आधा आधा हो जाए, यानी कि यहाँ पर 16 चेन यहाँ सॉरी 16 स्टिच यहाँ पर 16 स्टिच यहाँ पर, यानी कि 60 यहाँ पर और 60 यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें दो बनाना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये चीज़ देख लेनी है, क्योंकि हम चेन हमने गिनी नहीं है और ये चीज़ आपके साथ आ सकती है, किसी भी बड़े पोंचों में आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोड़कर एक पर, ये जैसे हम तीसरी में यहाँ पर बनाने के बजाय हम एक छोड़कर दूसरी में हम यहाँ पर पफ स्टिच बना लेंगे अपनी, क्योंकि तो यहाँ शुरू में हमारे वैसे भी डोरी आनी है, तो यहाँ जो भी है हम यहीं पर ठीक कर लेंगे अपना। ये हमारी हो गई 31 यानी कि 31 स्टिच हो गई। ये देखिए थोड़ा सा और उसे गैप कम आ जाएगा, लेकिन ये इतना नज़र नहीं आएगा। तो हमें अपनी यहाँ पर ऐसे ही जो है ठीक करना है, एक दो चेन, और अब हम इन दोनों के बीच में एक कर लेंगे। तो ये हमारी 32 यानी कि 32 पफ स्टिच हो जाएंगी। देखिए हमने सेंटर में कर लिया, तो थोड़ा सा आपको ऐसे देखना है बाद में कि बराबर होनी चाहिए। ये देखिए अभी हमारी 32 हो गई यानी कि 32 पफ स्टिच, यहाँ पर दो चेन। अब हम इसको यहाँ से ये जो शुरू किया था एक दो चेन और ये जो तीसरी ऊपर की उसके साथ हम ऐसे जोड़ देंगे, तो ये अब हमारा जो है बिल्कुल बराबर हो गया है। तो अब हमें दिक्कत भी नहीं है, 16 इधर आ जाएगी 16 इधर ही। अब वहाँ पर हम जो है एक मार्कर लगा देंगे सेंटर करके अपना इस तरीके का। तो ये देखिए यहाँ से हमने जोड़ा, तो ये हमारा ये सेंटर मान लीजिए, ये सेंटर है हमने यहाँ पर लगा दिया, तो ये हमारा सेंटर है। और उधर भी एक वैसे हम बराबर ऐसे करके कर लेंगे, लेकिन फिर भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो गिन लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक हमारा यहाँ पर मार्कर लग जाएगा। तो ये हो गई हमारी आधी आधी, हाफ हाफ हमने कर लिया इसको। तो यहाँ पर भी हम ये लगा लेते, ये हमारे कोने हैं दोनों। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा इधर और इधर आधा आधा हमने कर लिया। फिर भी एक बार गिन लेते हैं एक, जिससे कि हमारी गलती ना हो। तो दो बार आप जरूर गिन लीजिए, नहीं तो देखिए बिल्कुल ठीक है, आधा आधा हो गया हमारा। अब हम शुरू करते हैं, तो यहाँ पर हम अपना कोना बना लेंगे सामने का, एक आगे और पीछे का यहाँ से कोना, बस यहीं पर हमारी जो है स्टिच जो है वो भी बढ़ेंगी। तो यहाँ से हमने इस तरीके से बना रहे थे, ये देखिए अब इसी पफ स्टिच के ऊपर हमने अपना बनाना है। तो तीन चेन बना ली हमने, यहीं पर हम ये देखिए इस तरीके से ये तीन चेन को भी गिनेंगे। तो एक दो स्टिच हो गई, तीन, तीन स्टिच बनाने के बाद यहाँ पर हम एक और ये दो चेन बनाएंगे और वहीं से फिर से तीन बार डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये हमारा कोना है।
ये देखिए इसी के ऊपर हमने कोना बना लिया। तो हमारा मार्कर है तो कोना इसके ऊपर क्यों बनाए, क्योंकि हमारा डिजाइन है इसी के ऊपर हमारा कोना बनेगा। तो ये हमारा जो पहली स्टिच है उस पर करा है हमने, और लास्ट की यहाँ पर ये हमारा 16 यहाँ पर आता है, ये देखिए यहाँ पर हमारा 16 आता है। तो दूसरा कोना हम हमारा जब दूसरा हाफ शुरू होगा यहाँ पर इसके ऊपर कोना बनेगा। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बना लिया। अब हमें एक चेन बनानी है, सॉरी दो चेन बनाएंगे यहाँ पर, ये कोने जब हम कोने वाला बनाएंगे यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे, और हर पफ स्टिच के ऊपर ही हमें लेना है, यहाँ बीच में नहीं लेना। तो ये अब जो दूसरी है उसके ऊपर हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया, ये देखिए। अब हम फिर से एक दो चेन, सॉरी एक चेन लेंगे हम, यहाँ पर हमने दो लिया, अब हम एक लेंगे और फिर से दूसरी पफ स्टिच के ऊपर ठीक तीन बार डबल क्रोशिया, एक फिर एक बार और लेंगे, दो और ये तीन, तीन बार डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से वहीं से तीन बार डबल क्रोशिया। तो टोटल हमने छः बार डबल क्रोशिया लिया, यानी कि थ्री इधर थ्री इधर और ये तीन, ये देखिए। फिर एक चेन लेंगे, एक चेन लिया और फिर इस पफ स्टिच के ऊपर ठीक यहाँ पर इसी के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगले पफ स्टिच पे इसी तरीके से रिपीट करेंगे तीन बार डबल क्रोशिया, यानी कि वन टू और ये थ्री, वन चेन, फिर थ्री बार डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, वन चेन, पप के ऊपर ठीक इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर वन चेन और ठीक इसके ऊपर डबल क्रोशिया थ्री बार। तो ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि तीन बार, एक दो तीन, एक चेन, एक दो तीन, तो टोटल हो गई एक दो तीन चार पाँच छः, छः बार हो गया। इसी तरीके से हमें पूरा रिपीट करना है जब तक हमारा इस कोने तक नहीं आ जाते हम। तो ये देखिए यहाँ पर हमने मार्क लगाया था, उससे आगे यहाँ पर हमने कोना बनाया, तो इस कोने को नहीं गिनेंगे, तो यहाँ पर हम गिनेंगे, ये देखिए कितने बने हमारे, एक दो तीन चार पाँच छः सात बने हैं। एक पफ स्टिच पर हमने बनाया और एक पर हमने सिंगल क्रोशिया लिया, देखिए यहाँ जैसे सिंगल क्रोशिया तो यहाँ पर हमने बनाया। अब जैसे इस पफ के ऊपर हमने सिंगल क्रो इस डबल क्रोशिया बनाया और अगले पर हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, तो यहाँ पर हमने एक चेन ले ली है और ये हमारा लास्ट वाला, यहाँ पर हमने देखिए मार्कर लगा रखा है, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। तो ये देखिए हमारी अगर हम स्टिच गिनते हैं यहाँ से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, तो ये देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट पे तो हमने कोना बनाया और यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा मार्कर है और यहाँ पर जो पहला, यहाँ पर हमारा दूसरा कोना बनेगा, तो यहाँ पर हम दूसरा कोना बना लेते हैं। तो यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया लिया, अब यहाँ पर एक दो चेन लेंगे और इस पफ के ऊपर हम अपना दूसरा कोना बना लेंगे, तीन बार डबल क्रोशिया, क्योंकि आगे पीछे हमने दो कोने बनाने, तीन बार डबल क्रोशिया और दो चेन। देखिए यहाँ पर हम एक एक चेन ले रहे हैं, जो कोने वाला है वहाँ पर हम शुरू में यहाँ पर भी दो चेन ले रहे हैं और यहाँ पर भी बीच में भी हम दो चेन ले रहे हैं, आप तीन भी ले सकते हो लेकिन दो ठीक रहती है। और फिर से तीन बार डबल क्रोशिया, और दो चेन, फिर पप्पे जैसे हमारा यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ऐसे हम यहाँ पर लेंगे, सेम रिपीट कर लेंगे, सिंगल क्रोशिया, एक चेन, दूसरे पप के ऊपर छः बार, यानी कि तीन बार डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर तीन बार डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम
फिर से अपने दूसरे कोने तक इसी तरीके से बना लेंगे। एक चेन, तीन बार फिर डबल क्रोशिया, एक, दो और ये तीन, एक चेन, अगले पप्पी फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, अगले पप्पी फिर से तीन बार डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से तीन बार, वहीं से जहाँ से लिया है सेम जगह से। तो इस तरीके से हम पूरी लाइन बना लेते हैं। हमारी ये सेकंड रो है हमारी। तो ये देखिए, तो असली में हम इसको हटाते हैं यहाँ से, जो हमारा कोना है वो हमारा ये है। अब जो हमने ये हमारा कोना है, जैसे इसके साथ में हमारा ये, पहले हमने हाफ हाफ किया तो कोना हमारा असली में ये है, देखिए। तो बाद में तो आपको कोना अलग से नज़र आएगा, तो आपको ये मार्कर लगाने का ज़रूरत नहीं है, ये देखिए। तो ये दोनों हमारे कोने हो गए, और इसी तरीके से हमारा यहाँ तक सेम रिपीट होएगा डिज़ाइन यहाँ तक। तो यहाँ तक बना लेते हैं हम इस तरीके से बनाकर यहाँ पर किनारे पे आ गए। यहाँ से हमने मार्कर निकाल दिया है। अब यहाँ पर ये बनाया हमने, एक चेन बना लेते हैं और यहाँ सिंगल क्रोशिया और फिर दो चेन। तो यहाँ पर हमारी दो चेन बनेगी, बाकी जगह हमारी एक एक बनेगी, क्योंकि ये हमारा कोना है। तो यहाँ से हमने शुरू किया था, एक दो तीन, तीसरी चेन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लेंगे और हर चेन में से इसी तरीके से स्लिप स्टिच लेते हुए, ये देखिए, हम यहाँ जो दो चेन है इसके बीच में आ जाएंगे। यहाँ से हमारा जो है तीसरी लाइन यानी कि थर्ड रो हमारी जो शुरू होगी। यहाँ पर हमने तीन चेन फिर से बना लिया। अब इस कोने से हमारा ये फिर से सेकंड डिज़ाइन यानी कि पफ स्टिच बनाया, ये डिज़ाइन बनाया, फिर हमारा पफ स्टिच का डिज़ाइन बनेगा, फिर रिपीट होएगा। यानी कि दो लाइनों में अलग अलग डिज़ाइन है, और इसी तरीके से हमारा जो है पोंचू आगे बढ़ता रहेगा। तो जितना बड़ा आपको बनाना उतना बड़ा आप बना लीजिए। कई लोग कहते हैं हम बहुत जल्दी जल्दी बताते हैं, कई लोग कहते हैं हम बहुत स्लो स्लो मतलब बताते हैं। जिनको आता है तो उनको थोड़ा सा जल्दी लगता है, जिनको मतलब कि नहीं आता तो उनको हमारा जो है बहुत जल्दी लगता है, जिनको आता है तो उनको हमारा धीरे लगता है। तो कई शिकायतें होती हैं। अब देखिए, सबका तो हम पूरा नहीं कर सकते, मुझे ऐसे ही आता है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। अब यहाँ से तीन चेन लिया और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया लेंगे, यानी कि सेम कोना हम बनाएंगे, तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन, एक, दो और फिर से इसी जगह से तीन बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर आपको कभी भी कुछ चेंज नहीं करना, ये लाइन हमारी नीचे तक ऐसे ही जाएगी। हर बार जब भी कोना आएगा तो सेम स्टिच हमारी बनेगी, ये देखिए। अब दो चेन, अब यहाँ पर हमारी पफ स्टिच बनेगी यानी कि इस तरीके से। तो ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया, यहाँ यहाँ जो हमने सिंगल क्रोशिया लिया है, यहाँ पर हमारा पफ स्टिच बनेगा। तो यहाँ पर हम ठीक इसके यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी, एक बार ऐसे लिया सेम जगह से, दूसरी बार लिया, तीसरी बार, यानी कि तीन बार हमने डबल क्रोशिया लिया, लेकिन इनको निकाला नहीं। आप चार बार भी ले सकते हो जैसे मैंने बताया, लेकिन ऊन कम ना पड़ जाए इसलिए मैं तीन बार ही ले रही हूँ। ये देखिए, सबको ऐसे निकाल दिया और फिर दो स्टिच है इनको भी ऐसे निकाल दिया। फिर यहाँ पर तीन चेन लेना। अब हमारा ये जो सेकंड पफ स्टिच बनेगी, पहले हम दो ले रहे थे, यहाँ पर हमारी तीन तीन बनेगी। तीन इसलिए बनेगी, देखिए यहाँ पर एक दो तीन बार हमने सिंगल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया लिया, यहाँ पर हमें स्टिच लेनी है सिंगल क्रोशिया। तो हमारी तीन तीन चलेगी हमारी यहाँ पर, एक, दो और ये तीन। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एक चेन ली थी हमने, यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच एक सिंगल क्रोशिया, ये देखिए, ठीक है। अब फिर तीन बार चेन, एक, दो, तीन, ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हमारी आएगी पफ स्टिच ठीक इसके सेंटर में, एक, दो और ये तीन। सबको निकाल देना ऐसे, और ये लास्ट वाला जो होता है ये और ये, इन दोनों को बाद में दो का एक। फिर तीन चेन, एक,
दो, तीन, ये जो हमारा फूल बना है ठीक इसके सेंटर में सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चेन और फिर ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर पफ स्टिच, एक, दो, तीन, यानी कि थर्ड टाइम हमें ये ऐसे करना है। सबको निकाला और ये दो का एक, फिर तीन चेन और फूल के बिल्कुल बीचों बीच सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चेन। इस तरीके से देखिए हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो ऐसे घूमते हुए यहाँ पर कोने पे आके फिर हम ये देखिए हमने यहाँ पर कोना बनेगा और इसी तरीके से हमारा पूरा राउंड बनेगा। तो ये देखिए इस तरीके से बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारा पफ स्टिच बनेगा, ये दूसरा कोना हमारा यहाँ आ गया है। पहले हम यहाँ पर पफ स्टिच बना लेते हैं, हमने दो और ये तीन। ये मेरा बेबी पिंक कलर है जो वाइट टाइप आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बच्चे के लिए जो गर्ल्स के लिए तो पोंचो तो गर्ल्स ही पहनती हैं, तो अच्छा सा मतलब बेबी पिंक अच्छा लगता है, इसलिए आप अच्छे कलर से लाइट कलर से आप बनाइए, डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा। आप इसको दो कलर का भी बना सकते हैं, यानी कि जो पफ स्टिच है ये बना रही हूँ मैं, आप ये एक लाइन एक कलर की और दूसरी लाइन दूसरे कलर की। तो ये देखिए यहाँ पर बना लिए, यहाँ पर हम फिर से एक दो तीन चेन लिया हमने। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा कोना है, ये जो अलग से नीचे से एक जैसा ही बनेगा यहाँ, तो यहाँ पर हम ये देखिए सेम यही रिपीट करना हमने तीन बार डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ से हमारे स्टिच जो है बढ़ेगी, अभी हमारी सिर्फ दो लाइनें बनी हैं इसलिए अभी आपको पता नहीं चलेगा। ये देखिए फिर से यहाँ पर तीन चेन और सेम हम ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम दूसरे कोने पे आ गए हैं और ये हमारी एक दो और तीन, यानी कि तीन रो बन के तैयार हो गई, एक दो तीन। तो यहाँ से हमने शुरू किया था एक दो तीन, तीसरी वाली चेन में इस तरीके से जो ऊपर की होती है यहाँ हम स्लिप स्टिच ले लेंगे, जोड़ देंगे यानी कि आपस में, और इसी तरीके से हर चेन में से स्लिप स्टिच लेते हुए बिल्कुल यहाँ पर हम सेंटर में आ जाएंगे और सेम यहाँ पर फिर वही एक दो तीन, कोना हमारा सेम बनेगा जैसे बना रहे हैं हम, तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया। तो नीचे से हमारा सेम कोना बनता आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ से मार्कर हटा दिया क्योंकि अब हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, कोना हमारा अलग से दिखाई देता है। ये देखिए अब ये देखिए इस तरीके से हमने बनाया। अब हमारी स्टिच यहीं से जो है बढ़ जाती है, यहीं से हमारा जो है ये देखिए इस तरीके से शेप लेता चला जाएगा पोंचो के स्टाइल में। अब देखिए यहाँ पर हमने ले लिया तीन बार, अब यहाँ पर हम एक और ये दो चेन लेंगे और ये देखिए यहाँ पर अब हमें कैसे बढ़ाना है। अब सीधा हमें इस पफ के ऊपर स्टिच नहीं लेना कि हम ये बना दें फूल हमारा, हर पफ के ऊपर एक एक ये फूल बनेगा जो हमारा छः छः स्टिच यानी कि, लेकिन उसके लिए अब हमें यहाँ बना लेंगे तो हमारा एक जैसा बनेगा, यहाँ हमें स्टिच बढ़ानी है। तो ये जो तीन है एक दो तीन, यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया लेना है यानी कि इस जगह पर। तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे और यहाँ पर इस पफ के ऊपर हम ये फूल बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर से आप ध्यान दीजिए जो तीन स्टिच है यहाँ पर मैंने कोने पर ये सिंगल क्रोशिया लिया है और इस पफ के ऊपर हमारा सेम डिज़ाइन बनेगा, ये जो फर्स्ट रो ये पफ वाला बनाया जो सेकंड रो में हमने बनाया है। फिर से तीन बार जो है डबल क्रोशिया, ये देखिए एक बार डबल क्रोशिया ले लिया मैंने यहाँ पर और ये दो तीन, एक चेन और तीन बार डबल क्रोशिया। ये देखिए बन गया,
एक चेन लेंगे, जैसे हमने यहाँ लिया था सेम हमें ऐसे बनाना है एक चेन, और ये जो अब सिंगल क्रोशिया है इस ठीक इसके ऊपर हमें ये सिंगल क्रोशिया लेना है, ये देखिए, और ये पफ स्टिच है इसके ऊपर हमें ये फूल बनाना है, फिर से एक चेन और ये इस पफ के ऊपर ये 6 बार जो डबल क्रोशिया वाला फूल हमें बना के तैयार करना है। तो आपको थोड़ा पता चल गया होगा, ऐसे हमें पूरा राउंड ले लेना है, एक बार ये एक बार पफ स्टिच, ऐसे हमारा मतलब कि रिपीट होता रहेगा। और हमारा पोंचू कोने पे से जैसे मैंने अभी बताया है ये इस तरीके से, जब भी हम मतलब कि ये फूल बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे स्टिच जो बढ़ता रहेगा। तो ऐसे हम बना के फिर से यहाँ तक आ जाते हैं, ये देखिए हम दूसरे कोने पे आ गए हैं। जैसे हमने यहाँ पर स्टिच ली थी, ये स्टिच बढ़ाई है यहाँ पर, तो ऐसे ही यहाँ पर हम दूसरे कोने पे आ गए। इस पफ के ऊपर हमने फूल बनाया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम ये जो ये देखिए इस किनारे पे ये कोना हमारा, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेके फिर हम दो चेन लेंगे, एक दो, और सीधा हम इसके अंदर जो है अपना कोना बनाएंगे जो नीचे से ऊपर तक हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 बार डबल क्रोशिया ले लेंगे और 2 चेन और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया किनारे पे और फिर एक चेन और यहाँ पर पप के ऊपर फूल, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया, यहाँ फूल, यहाँ सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो हमने बनाए यहाँ पर हमारी स्टिच बढ़ गई है, यानी कि सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ पर हमारा पफ आ जाएगा, यानी कि धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो आपको इसी तरीके से बढ़ाना है, तो पूरा राउंड लेके आ जाते हैं हम फिर से। ये हम जहाँ से हमने शुरू किया था फर्स्ट वाला जो कोना, यहाँ से हमने शुरू किया था 3 चेन लेके, यहाँ पर हम आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टिच यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ली थी, तो अब यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से सिंगल क्रोशिया लेना है और ये 2 चेन, जैसे कि हम कोने के बाद हमेशा 2 चेन लेते हैं, और ये 1 2 3 चेन ऊपर वाली तीसरी चेन में हमने स्लिप स्टिच। तो ये हमारा 1 2 3 4 राउंड हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम यहाँ बीच में आएंगे जैसे हमेशा आते हैं सिंगल क्रोश, ये ऐसे स्लिप स्टिच लेते हुए, और फिर से हमारा कोना बनेगा और अब हमारी ये पप स्टिच वाली जो लाइन ऐसे ही बनेगी। बस आपने देख ली यहाँ पर हमने स्टिच लिए, लेकिन जब हम पफ स्टिच लेंगे, यानी कि जो सेकंड रो हमने बनाई है ऐसी लेंगे, जब हमें यहाँ पर नहीं बढ़ाना, जब हम ये फूल बनाएंगे तभी हमें यहाँ किनारे पे स्टिच लेनी है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर कोना आपको बना के दिखा देती हूँ, 2 चेन, उसके बाद हमारा पोंचू ऐसे ही बनता रहेगा जितना बड़ा आपको बनाना है। जैसे मेरा 12 इंच का बच्ची का नाप लिया मैंने हाथ का, तो मैं 10 इंच तक इसको तैयार करूँगी। ये देखिए इस तरीके से कोना बनाया, 2 चेन। अब देखिए यहाँ पर मेरा ये पफ स्टिच बनेगी और इस कोने के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर जब पफ स्टिच बनाते तो हम 3 चेन लेते हैं, यहाँ पर मैंने 2 लिया तो अब यहाँ 3 ले लेंगे। और यहाँ पर इसके यहाँ पर ठीक यहाँ पर ये देखिए सिंगल क्रोशिया जो हमने लिया है इसी के ऊपर पफ स्टिच ले लेंगे हम। तो यहाँ पर हमने कोई स्टिच बढ़ाई नहीं है, ये देखिए ऐसे ही हमने सीधे यहाँ पर ले लिया, फिर 3 चेन और इस फूल के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर ये सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर पफ स्टिच जैसे कि हमने पहले बनाया था, ऐसे हम पूरा राउंड ले लेंगे। फिर हम ये फूल वाली स्टिच बनाएंगे तो फिर हमें यहाँ पर किनारे पे स्टिच लेनी है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए हम बना लेते हैं इसी तरीके से अपना जितना बड़ा भी हमने बनाना है। ये हमने काफ़ी अपना लेंथ पूरी कर ली है, अभी हम इसको नापेंगे, उससे पहले हम इसे पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ तक बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेके, और ये जो नीचे वाला सिंगल क्रोशिया होता है इस फूल के ऊपर हमारा सिंगल क्रोशिया है, और यहाँ पर हमारा पफ बनेगा जैसे कि। तो यहाँ पर हम पफ स्टिच बना लेते हैं, 1 2
और ये तीन और ये दो का एक, फिर से तीन चेन, एक दो तीन, और ये यहाँ पर हम किनारे पे अपने कोने पे आ गए, यहाँ से हमने शुरू किया था एक दो तीन चेन बनाकर, तो यहीं पर हम इसको आपस में स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे और अपना इसी तरीके से हर चेन में से स्लिप स्टिच लेते हुए अपने सेंटर में आ जाएंगे, यानी कि इस तरीके से। ये हमने पोंचो बना के तैयार कर लिया है, तो ये देखिए जैसे कि हमारी स्टिच बढ़ती जा रही थी उसी तरीके से हमारा शेप जो है बन गया है, हमारा पोंचो एक तरह से पूरा हो गया है। अगर यही पोंचो आपको किसी बड़े का बनाना है तो नेक के हिसाब से आप जो है नेक बड़ा बनाएंगे और इसको इसी तरीके से बनाते जाएंगे। यहाँ पर कोने पर जो हमारा ये कोना है देखिए, यहाँ पर हमारी स्टिच एक एक करके बढ़ती जाती है, जैसे पफ स्टिच पे तो हमने तीन के बाद यहाँ पफ किया तो यहाँ पर स्टिच नहीं बढ़ती, लेकिन जब हम ये फूल वाली स्टिच बनाते हैं तो ठीक यहाँ से लेने के बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारी ये देखिए इस तरीके से स्टिच बढ़ती जाती है और ये हमारा जो है मतलब कि पोंचू का जो है शेप बढ़ने लग जाती है। तो इस तरीके से ये हमने बनाया, देखिए कितना सुंदर और खूबसूरत बना, इसे आप दो रंग का भी बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हमें इसका एक बार नाप हमने ले लिया, मैं आपके सामने फिर से एक बार नाप ले लेती हूँ कि मैंने इसको किस हिसाब से बनाया। मैंने ये लेंथ नहीं ली है, मैंने जैसे बताया था कि मैंने जिस बेबी का हम बना रहे हैं वो एक साल का है, सर्दियों तक वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, यानी कि डेढ़ साल का हो जाएगा, एक साल से थोड़ा बड़ा है अभी, तो ये हम एक से दो साल यानी कि दो तीन साल तक ये आराम से बच्चा पहन लेगा, क्योंकि हम इतना मेहनत करते तो एक दो साल बच्चा पहने, तो इसलिए हमने इसका नाप पहले से बड़ा लिया था। तो जैसे कि बच्चे के सर का बहुत बड़ा नाप है और लेकिन गर्दन बच्चे की छोटी होगी तो यहाँ पर ये नेक लूज़ हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर डोरी वाला यहाँ पर हम डोरी डालेंगे जिससे नेक को छोटा या बड़ा कर सकें। और उनका हमने ये जो लेंथ है फुल लेंथ है, यानी कि बच्चे के पूरे हाथ जो है कवर हो जाएंगे, जैसे कई बार हम थोड़ा छोटा बनाते हैं ऐसा नहीं है, पूरे हमने बच्चे का फुल लेंथ ले रखी हाथ की, यानी कि उंगलियों तक हमने ये नाप लिया है, तो ये 12 इंच का हमारे पास नाप है। तो ये हमारा पोंचो जो है इस तरीके से 12 इंच तक हमने जो है यहाँ पर इसको बनाना है बाजू को। तो ये दोनों तरफ ये देखिए मैंने मार्कर लगा रखा है इस तरीके से, तो ये मैंने 3 इंच की दूरी पर पहले से लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पर हमारा बॉर्डर बनेगा जहाँ बच्चे के हाथ जो है दोनों तरफ बाजू बनेगी, तो उससे हमारी ये ऊपर से हमें यहाँ से नापना है। तो ये हमारी टोटल ये देखिए 10 इंच का हमारा पोंचो है, 2 इंच का हम बॉर्डर बनाएंगे, तो ये हमारा टोटल जो है 12 इंच यहाँ से तैयार हो जाएगा। और अभी एक लाइन हमारी यहाँ पर बनेगी, आपको बाजू बनाना जब शुरू करना है जब आपकी पफ स्टिच वाली लाइन बनेगी, इससे ये देखिए हमारा बिल्कुल सीधी लाइन बन जाती है। इससे जब हम फूल वाली लाइन बनाते हैं तो हमारा इस तरीके से गोलाई में बनता है, तो लास्ट वाली लाइन हम गोलाई में बनाएंगे। पफ स्टिच जब बनाएंगे हम इस तरीके से सीधा, जब भी हम बाजू को इस तरीके से दोनों तरफ की बाजू पे हमने ऐसे मार्कर लगा दिया और यहाँ पर हमारा बॉर्डर बनेगा यानी कि बाजू बनेगी, तो हम इसको इसी तरीके से रखेंगे दोनों तरफ और गोलाई में इस तरीके से बनाएंगे, और बाद में हम इसकी एक और आउटलाइन करेंगे गोल स्टिच वाले से, जिसे कि क्योंकि हम नीचे लटकन नहीं लगाएंगे, जैसे धागे इस तरीके से बांध देते वो नहीं, छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं होता, वो एक एक धागा जो है पकड़ के खींचते रहते हैं, कुछ टाइम बाद वो मुंह में भी दे लेते हैं, तो छोटे बच्चे को आप लटकन वाला ना ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर पम्पम भी हम छोटा सा क्रोशिए का ही बनाएंगे, तो यहाँ पर आप कोई फ्लावर वगैरह लगा सकते हो तो इसको और भी सुंदर बना सकते हो। ये हमने एक रंग का बनाया, इसको आप दो रंग का भी बना सकते हैं। तो चलिए अब ये जैसे कि मैंने यहाँ पर 3-3 इंच की ये देखिए मार्कर की लगा दी है, तो 3 इंच का बाजू बहुत होता है, तो यहाँ से हम बाजू बनाना शुरू करते हैं। हमने कोने पर अपना धागा छोड़ दिया क्योंकि हमें अभी एक यहाँ पर बाजू बनाने के बाद हम एक बार और बनाएंगे, तो यहाँ से हमने धागा तोड़ा नहीं है, तो यहाँ से हम बाजू शुरू कर देते हैं। देखिए हमने जैसे मार्कर लगाया वहीं से हम शुरू करेंगे, तो यहाँ से हम अपना धागा लगा लेते हैं। आप इन दोनों मार्कर को इस तरीके से आप ले लीजिए और बाजू को ये देखिए बिल्कुल ये देखिए कोने आराम से आप इस तरीके से ले सकते हो, तो यहाँ से हम ये देखिए ये अलग कोना है हमारा और इधर का ये, इस तरीके से हमने यहाँ पर क्रोशिया डाल दिया, मार्कर हम निकाल देंगे और यहीं से हम बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर अपनी ऊन लगा लेते हैं, ये देखिए दोनों को इकट्ठा में ले रही हूँ, ये देखिए
तो यहाँ से हम इस तरीके से धागा लगा लिया हमने, तो ये दोनों देखिए इस तरीके से जुड़ गए हैं हमारे, ये बाजू है बच्चे की छोटी, और यहीं से हम जो है इसको बनाना शुरू कर देंगे। इस धागे को साथ में ही रखेंगे जिससे कि दिक्कत नहीं हो। तीन चेन बना लेंगे जैसे हम इसे शुरू करते हैं, और डबल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर जो हमने तीन तीन चेन लिए, इसके अंदर से हम तीन तीन बार जो है डबल क्रोशिया लेंगे। हर उसमें से हम तीन तीन बार करके डबल क्रोशिया करके पूरा हमने ऐसे ही बना लेना है। ये देखिए तीन तीन बार में यहाँ पर इस तरीके से गोलाई करके पूरा यहीं पर आ जाएंगे हम, जहाँ से हमने जोड़ा है। तो ये देखिए हमने तीन तीन बार जो है डबल क्रोशिया ले लिया, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से हमने ये देखिए जोड़ा हुआ था, इस तरीके से गोलाई करते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम एक बार और इसके अंदर से बीच में से डबल क्रोशिया ले लेते हैं, और यहाँ से शुरू किया था हमने, एक दो तीन, तीसरी ऊपर वाली चेन में से स्लिप स्टिच ले लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी बाजू की गोलाई आ गई है, देखिए अलग से। अब यहाँ पर हम जैसे हमारे 10 इंच तो बन चुका था, और ये जो धागा है हम इसको अंदर की तरफ कर देंगे, बाद में इसको ठीक कर देंगे, या फिर इसको साथ साथ हम ऊपर की तरफ से बना सकते हैं, मतलब छुपा देना हमने किसी तरीके से इसको। देखिए जो थोड़ा सा बुरा लगता है बाहर निकला हुआ, इसको हम काटेंगे नहीं, इसको साथ साथ इसी तरीके से दबा देंगे। तो फिर से तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। अब फिर से यहाँ से डबल क्रोशिया लेना है, लेकिन हमें चेन के ऊपर से नहीं लेना, यहाँ पर हमें थोड़ा बॉर्डर बनाना है। तो यहाँ पर हमने तीन चेन ले ली, ये जो हमारी डबल क्रोशिया की स्टिच है इसको इस तरीके से यहाँ से नहीं लेना, नीचे से लेना है इस तरीके से। ये देखिए फिर से देखिए, यहाँ ऊपर चेन से नहीं लेना हमने, ऐसे जो हमारी जो ये स्टिच है इसके इधर से निकाल के ऐसे हमने डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए एक बार ऐसे लिया, और दूसरी बार जैसे भी हमने ऐसे लिया पीछे की तरफ से लेना है, एक बार आगे की तरफ से, एक बार पीछे की तरफ। अब दूसरा वाला डबल क्रोशिया इस तरीके से पीछे से उठाना हमने, फिर आगे की तरफ से एक स्टिच ऐसे, यानी कि जो लंबी ये हमारी डबल क्रोशिया इसको हमने ऐसे लेना है चेन की बजाय। तो एक बार आगे से और एक बार क्रोशे को पीछे की तरफ से जाके इस तरीके से हमने लेना। तो जैसे हम नीटिंग में बनाते हैं बॉर्डर बनाते हैं, एक सीधा एक उल्टा फंदा, इसी तरीके से हमारी ये जो है बॉर्डर बन जाएगी। तो 2 इंच का हमने इसी तरीके से बॉर्डर बना लेना है। जब हम ये हमारी सेकेंड रो है, जब हमारी थर्ड रो आएगी तो जो ऊपर से वो ऊपर से बनेगा, जो नीचे से वो नीचे से बनेगा। इसी तरीके से हमने देखिए अब ये ऊपर से लिया हमने, और फिर हम पीछे की तरफ से ऐसे क्रोशिया डालेंगे और आगे से ऐसे, जैसे कच्चा करते हैं हम, इस तरीके से हमने लेना है। फिर आगे से फिर इस तरीके से घुमाया, फिर पीछे की तरफ से, ये देखिए ऐसे, फिर आगे से इसी तरीके से हम पूरी लाइन बना लेंगे। ये देखिए कुछ ऐसा आएगा, हमने इस तरीके से पूरा बना लिया। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता ऐसे बनाना, तो आप सिंगल क्रोशिए या कोई और आपको बॉर्डर आता क्रोशिए का, तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने शुरू किया था, तीन चेन यहाँ से लेके फिर यहाँ से हमने इस तरीके से देखी। अब यहाँ एक दो तीन, इसी से हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करके इसको जोड़ देंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पर फिर से तीन चेन बनाएंगे, एक दो, तीसरी लाइन बन रही है हमारी थर्ड रो। तो ये देखिए हमने पहले ऊपर से लिया था, तो इस ये अलग से दिखाई दे रहा है आपको, एक ऊपर एक नीचे। तो जो ऊपर से है उसको हमने फिर से ऐसे ऊपर की तरफ से लेना है, और जो नीचे की तरफ है उसे पीछे की तरफ से इसी तरीके से लेना है। तो ऐसे आपको जितना भी लंबा बॉर्डर हो बस आप इसी तरीके से बनाते रहेंगे,
जो ऊपर की तरफ से दिखाई दे रहा है उसे ऊपर से, जो नीचे की तरफ से उसे नीचे से देखिए अलग से दिखाई दे जाएगा आपको। तो इसी तरीके से आपको ये अपना जितना भी बड़ा बॉर्डर बनाना हो आप उतना बड़ा बॉर्डर बना लीजिए। तो इसी तरीके से हम ये देखिए तीन चार पांच लाइनें हम बनाएंगे और हमारा बन जाएगा। ऐसे ही हम दूसरी तरफ का भी बना लेंगे, दोनों तरफ की बाजू हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये हमारी सिक्स रो यानी कि छठी रो भी हमारी ख़त्म हो गई। यहाँ से हमने शुरू किया था तीन चेन से, यहीं से आकर हम इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच लेके जैसे हमेशा करते हैं ऐसे हम जोड़ देंगे और इस धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारी देखिए बाजू बन गई है। ऐसे हम दूसरी बाजू भी बना के तैयार कर लेते हैं। हमने दोनों तरफ की इस तरीके से बाजू बना ली है। अब हम यहाँ से जैसे मैंने बताया आप लटकन लगा सकते हैं, लेकिन छोटे ज़्यादा ही छोटे बच्चे का जैसे एक से दो साल बच्चे मतलब कि इसको निकाल देगा खींच खींच के, इसलिए हम इसी तरीके से जो हमारी ये वाली रो है यही वाली हम बनाएंगे और इसको फाइनल कर देंगे। तो हमने यहाँ से देखिए अपना धागा काटा नहीं था, यहीं से हम शुरू कर लेंगे। ये देखिए कोने पे हमने उनको इसी तरीके से छोड़ दिया था क्योंकि हमें फाइनल रो इसमें बनाना था। तो ये देखिए तीन चेन हमने बना रखी है। इस अब हमारा ये जो कोना है इसमें से हम चार बार, पहले हम तीन बार ले रहे थे अब चार बार लेंगे। एक तो तीन ये हमारा जो चेन बनाई इसको भी गिनेंगे, इसके अलावा हम तीन बार डबल क्रोशिया ले लेंगे। एक दो और ये तीन, ये देखिए इसको गिनते हैं एक दो तीन चार, चार हो गया। यहाँ पर हम एक दो तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाकर ये देखिए यहाँ पर इसी डबल क्रोशे के ऊपर वाली जो चेन है यहाँ पर, यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे इस तरीके से। ये देखिए तो एक हुक सा बन गया छोटा सा। इसके बाद फिर से हम इसमें चार बार डबल क्रोशिया लेंगे क्योंकि अब हमें इसके बाद बनाना नहीं है, इसलिए हम इस तरीके से बनाएंगे थोड़ा देखने में सुंदर लगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सेंटर में हमारा ये आ गया और चार इधर डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे और ये देखिए यहाँ पर हम जैसे स्टिच बढ़ाते थे यानी कि जब ये फूल वाली स्टिच बनाते थे हम ये वाली, तभी हम यहाँ पर ये देखिए जो तीन डबल क्रोशिया यहाँ पर हमने स्टिच ली थी। तो यहाँ पर एक सिंगल सॉरी यहाँ पर पहले दो चेन ले लेंगे, दो चेन हो गया और यहाँ पर हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, फिर एक चेन लेंगे और ये जो पफ स्टिच है इस पर हम इस तरीके का फूल बनाएंगे। जैसे हमने पूरा बनाया है डिज़ाइन सेम है। अब यहाँ पर फिर से हम चार बार डबल क्रोशिया लेंगे, एक दो तीन और ये चार, पहले हम तीन ले रहे थे अब चार ले रहे हैं और उसके बाद एक दो तीन चेन और ठीक लास्ट ये लास्ट वाली जो चेन है उसके सॉरी डबल क्रोशिया उसके ऊपर जो चेन है उसी के यहाँ से साइड से हम सिंगल क्रोशिया लेके फिर से हम चार बार डबल क्रोशिया लेंगे। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। चार बार डबल क्रोशिया हो गया और फिर से एक चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया जैसे पहले किया था हमने, फिर एक चेन और फिर पफ स्टिच के ऊपर सेम ये फूल बनाएंगे। तो ये हमें यहाँ तक बना लेना है, देखिए जहाँ तक ये हमारी बाजू यहाँ से तो बाजू है और यहाँ तक बना के हम फिर से यहाँ पर इधर से मुड़कर इधर चले जाएंगे। तो बाजू तक बना लेते हैं पहले हम। ये देखिए हम इस कोने से ऐसे बनाते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर ये बाजू आ गई हमारी जो हमने जोड़ी हुई है। तो देखिए यहाँ तक हमने ये पफ स्टिच के ऊपर ये बना लिए फूल, तो यहाँ पर भी हमारा जो है पफ स्टिच यहाँ पर है और यहाँ पर हमारा ये देखिए कोना है। तो आपको क्या करना है, बस एक यहाँ पर चेन लेके यहाँ बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से सिंगल क्रोशिया लेंगे हम, ये देखिए, और फिर एक चेन लेंगे और सीधा इस पफ स्टिच पर हम ये बना लेंगे। तो बस इसी तरह से हम यहाँ से घूम जाएंगे पूरा अपना इस तरीके से चारों तरफ से बना लेंगे। ये देखिए ये चार बार डबल क्रोशिया, आपको अगर चार बार नहीं बनाना आप तीन बार के बाद या सात बार भी बना सकते हैं जैसे भी। जैसे चार बार बना लिया फिर से वही तीन चेन
और ये देखिए जैसे मैंने बताया ये जो चेन है इसकी यहाँ से लेना, अगर आपको यहाँ से दिक्कत होती है तो आसान तरीका आपकी जो लास्ट वाला डबल क्रोशे सी इधर यहाँ से आप लीजिए और सिंगल क्रोशिया ऐसे ले लीजिए और फिर चार बार डबल क्रोशिया। या आपको कोई और लेस लगा बनाना है अच्छा लगता है तो वो लेस बना सकते हैं, आपके ऊपर है लास्ट में आपको कैसे बंद करना है। देखिए चार बार डबल क्रोशिया और बस इसी तरीके से बनाते चलेंगे एक चेन और इस फूल के ऊपर जो सिंगल क्रोशिया, यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर एक चेन और पफ स्टिच पर इसी तरीके से फूल बनाएंगे। तो ऐसे हम पूरा बना लेते हैं। यहाँ से शुरू किया था अपना बनाते हुए यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हमने ये देखिए अपना फूल बनाया पूरा, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया और दो चेन बना दिया हमने यहाँ पर, ये देखिए एक और ये दो, और यहाँ पर तीन चेन शुरू करी थी, यहाँ पर ही हम तीसरी चेन में इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से एक दो बार बनाकर धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारा पोंचू बन गया है जो हमने आउटलाइन कर लिया। अब हम यहाँ पर ये देखिए नेक, जैसे कि मैंने ये नेक पहले से ही बड़ा बनाया हुआ है तो इसको थोड़ा सा फैला हुआ ना दिखाई दे तो हम यहाँ पर इस तरीके से एक डोरी बना देंगे। मैंने क्रोशिए की डोरी नेट पे डाली हुई है, आप वो बना सकते हैं या बिना क्रोशिए की भी आप बना सकते हैं, यानी कि इसको जो इस तरीके से हम लपेट के बनाते हैं तो उस तरीके की आप डोरी जैसी भी आपको अच्छी लगती है डोरी उस तरीके की डोरी लगा कर आप पम्पम वगैरह लगा सकते हैं। तो चलिए अब नेक को भी हम इसी तरीके का थोड़ा सा बॉर्डर बना लेते हैं। जैसे अभी हमने 6 रो का बनाया है इसको हम थोड़ा सा 3 रो में यहाँ पर बना लेते हैं। तो जैसे आपको कोई जो फाइनल आगे रखना है, जैसे अभी हमने यहाँ से धागा लगाया तो हम इसे पीछे की तरफ करेंगे और ये जो कोना हमारा इस तरीके से चलता आ रहा है इसे हम सामने की तरफ करेंगे। तो हम बैक साइड से यहाँ से, वैसे तो आप आगे उल्टा सीधा कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे आप को जहाँ से ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आपकी आई तो यहाँ से बैक साइड से मैं यहाँ से धागा लगाकर अपना बनाना शुरू कर देती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ पर जो तीन तीन चेन यहाँ पर जिससे दो दो चेन छोड़ी थी तो यहीं से हम तीन तीन बार डबल क्रोशिया ले लेंगे जैसे कि हमने बाजू में लिया था। ये देखिए 3 चेन और इस तरीके से हम तीन तीन बार डबल क्रोशिया ले लेंगे। इससे एक तो नेक जो है फैला हुआ नहीं नज़र आएगा और दूसरा जो है देखने में सुंदर लगेगा। ये देखिए इस तरीके से हर एक उसमें से हम तीन तीन बार डबल क्रोशिया ले लेंगे जैसे हमने बाजू में लिया था और फिर सेम एक पीछे की तरफ एक आगे की तरफ इसी तरीके से बॉर्डर बना लेंगे। तो हम नेक बना के तैयार कर लेते हैं। जो हमारा बन के तैयार हो गया, हमने सिर्फ 2 रो बनाई है, इसमें सोचा था 3 बनाएंगे लेकिन सिर्फ 2 ही बनाई है, 2 में, क्योंकि हम यहाँ पर डोरी डालनी है, अगर ज़्यादा ऊंचा बॉर्डर बन जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमने, अगर बिल्कुल हमारा नेक बिल्कुल ठीक है, हमें बहुत डोरी नहीं चाहिए तो नहीं भी डालो, आपकी चॉइस है। और ये देखिए इस तरीके से हमारा पोंचो बन के बहुत ही प्यारा सा छोटा सा पोंचो बहुत सुंदर लग रहा है। और इस पर आप इस तरीके से जैसे मैंने फ्लावर लगाया आप ऐसे फ्लावर लगा सकते हैं जिससे ये बहुत ही सुंदर लग जाएगा। आप किसी भी कलर का लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो, नहीं लगाना तो कोई नहीं। यहाँ पर हम ये हमारे पास कुछ ऊन बचा है जिससे कि हम इसके साथ का डोरी बनाएंगे, यहाँ 2 पम्पम लगाएंगे जिससे डोरी अगर लगानी है तो पम्पम भी हम जो है क्रोशिए के बनाएंगे क्योंकि बच्चा मुंह में दे तो उसके मुंह में धागे नहीं आने चाहिए, छोटा बच्चा है, क्योंकि अक्सर डोरी उठा के बच्चे मुँह में दे लेते हैं। तो हम डोरी लगा के पोंचो भी के ऊपर जो हम पम्पम लगाएंगे वो भी हम इस तरीके के लगाएंगे। देखिए हमने ये बना रखा है लेकिन ये बहुत मोटा है, इसमें हम थोड़े से छोटे छोटे बनाएंगे। तो इस तरीके का पम्पम बनाएंगे हम क्रोशिए का, और साइड में हम बटरफ्लाई लगा सकते हैं, जो भी कुछ आप स्टिकर वगैरह जो आपको पसंद हो आप यहाँ पर लगा कर इसको बना सकते हैं। इस तरीके से 2 जो है ऊन डबल यानी कि ऊन ले लिया और इसे हम सिर्फ ये जो है 10 नंबर के क्रोशिए से थोड़ा सा लूज नहीं थोड़ा सा टाइट में ही हम इस तरीके से एक डोरी बना लेंगे। ये बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत अच्छी भी लगती है। अगर किसी को ज़्यादा टाइम ये है कि नहीं हमें बहुत टाइम लगेगा डोरी बनाने में, वैसे मैंने डोरी बना के डाली हुई है अपने चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप लपेटने वाली। और ये देखिए कितनी अच्छी और काफ़ी मोटी बन जाती है क्योंकि हम डबल से बना रहे हैं, और मोटी बनानी हो तो आप 3 डोरी मतलब कि उन 3 धागे उनके लेके बना सकते हो। इस तरीके से हम इस पर, ये बच्चे का है, जैसे जराब वगैरह में हम डालते हैं तो सिंगल ऊन की हम डोरी बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये आप इस तरीके से डोरी बनाकर पोंचो में डाल सकते हैं।
ये डोरी बनाने का ही तरीका है। और यहाँ पर आप पम्पम वगैरह लगा सकते हो, क्रोशी का बना के आप लगा सकते हो, जैसे मैंने बताया कुछ भी आप फैंसी चीज़ बच्चे के लिए यहाँ पर लगा सकते हो। कोई खिलौना, छोटे छोटे खिलौने आते हो वो टांग सकते हो, लेकिन जो डोरी है जैसे मैंने पूरे नेक में इस तरीके से, जैसे बड़े लोग हैं वो डोरी डालें चारों गली मतलब चारों तरफ से इस तरीके से, जैसे हम कच्चा करते हैं इस तरीके से हमारी डोरी यहाँ से डल जाएगी, तो उनके लिए तो ठीक है। जो समझदार होते हैं यानी कि उनको पता है कि डोरी खींचने से गला फंस सकता है, लेकिन छोटा 1 से 2 साल के बच्चे के लिए आपको डोरी ना ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है। आप यहाँ पर लास्टिक डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चा पकड़ के एक डोरी खींच ले तो बच्चे के गले में फंस सकता है, हो सकता है आप उस टाइम ना हो तो ये खतरा एक तरीके से डोरी गले में डालना। तो मैंने अब ये जैसे इस बच्चे के साथ में है कि इनका नेक जो है बड़ा था, सॉरी इनका जो सर की गोलाई बड़ी थी तो नेक भी बड़ा बन गया। वैसे तो ब्रोड की तरह पहन सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें डोरी डालने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आपका नेक छोटा भी हो जाएगा और बच्चा गलती से पकड़ के खींचता भी है तो गला नहीं फंसेगा। तो ये चीज़ मैं आपको इसमें कुछ नया बताती हूँ। ये देखिए, ये सेंटर है हमारा, यहाँ पर यहाँ से जैसे हमने पप स्टिच डाली थी यहीं से हम डोरी डाल रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से एक कच्चा की तरह एक नीचे एक ऊपर, इस तरीके से आपको डोरी डालनी है। ये देखिए, हमने डोरी डाल ली, लेकिन हम इसे पूरे नेक में नहीं डालेंगे। ये देखिए, हमने सिर्फ कंधे से नीचे भी यहाँ तक छोड़ दिया, यानी कि अगर ये पफ स्टिच देखे तो मैंने 1, 2, 3, 4 में डाला है, इसको इधर डाल दिया और इधर वाले हिस्से को भी मैं 4 तक यहाँ ले जाऊँगी। तो ये देखिए, इसी तरीके से यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि मैंने यहाँ से और यहाँ से बराबर बराबर डोरी डाल ली है, यानी कि पीछे घुमा के नहीं ले गई हूँ। अब इसी आधे आधे हमने इस तरीके से रख लिया, तो यहाँ से हम ऐसे पकड़ के डोरी खींचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप क्या करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने डोरी ऐसे ली, इसी को वापस ले जाना हमने फिर से। ये देखिए, इस तरीके से अब ये नीचे से आई है तो अब इसे ऊपर से ले जाना है। तो ये देखिए, यहाँ से ले गए, फिर कच्चे की तरफ जैसे यहाँ से ऊपर आई, यहाँ पर ऊपर से जा रही थी तो यहाँ से नीचे से, तो यहाँ से ऊपर आ जाएगी एक, यानी क्या पलट देना आपको, जहाँ से नीचे से थी वहाँ से मैं ऊपर से, देखी आपको दिख रही होगी ऊपर से, तो मैंने यहाँ से नीचे से लिया। इस तरीके से हम डोरी सेंटर पे ले आएंगे, ये देखिए, तो सेंटर के गले पे आ गई। यहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड करके ले आए, ऐसे हम यहाँ से ले आएंगे। ये देखिए, यहाँ से ऊपर से निकल रही है तो इसको हम नीचे की तरफ से, क्योंकि हमने ये काफ़ी अच्छी, ये देखिए इस तरीके से, तो ऐसे हम घुमाकर सेंटर तक ले आएंगे इसको भी। तो ये देखिए, हमने डोरी को डाल दिया है और सेंटर में हमारी डोरी आ गई है। देखिए, देखने में भी सुंदर लग रही है। अब बच्चे को पूरा नेक पहनाना, पूरा पहनाइए, अगर आपको टाइट करना तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर चुन्नटें आ जाएंगी और यहाँ पर जो है देखने में बुरा भी नहीं लगेगा। ये देखिए, ये देखिए ऐसे नेक जो है आपका छोटा हो जाएगा। ये देखिए, तो ये थोड़ा फैंसी भी लगेगा और पूरे नेक में हमने डोरी डाली भी नहीं। तो इस तरीके से आपको डोरी डालनी है, तो आप ऐसे, ये देखिए ऐसे डोरी हमने डाल दी। यहाँ पर हम पम्पम बना के लगाएंगे इसी तरीके का, जैसे मैंने बताया क्रोशिए का, छोटे छोटे हम बना देंगे। और यहाँ पर आप फूल वगैरह लगा सकते हो, जैसे मैंने बताया ऐसे ही फूल लगा सकते हो, बटरफ्लाई लगा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लगा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पोंचो पसंद आया होगा और ये डोरी लगाने का तरीका भी। तो इस तरीके से आप छोटे बच्चे का पोंचो बना सकते हैं। ये देखिए, हम ये पम्पम छोटा सा पम्पम बनाएंगे क्रोशिए से। तो इस तरीके से हम, ये देखिए, 4 चेन ले लेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। 4 चेन ले ली, फर्स्ट चेन में से हम इस तरीके से स्लिप स्टिच ले लेंगे। अभी छोटा सा सर्कल है हमारे पास में, 1 चेन लेंगे और इसके अंदर से हम 9 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये धागे को साथ साथ घुमाते रहेंगे। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 9 बार हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया है। और जो लास्ट वाली चेन है, ये देखिए बिल्कुल लास्ट वाली चेन, इसमें से भी हम सिंगल क्रोशिया ही लेंगे, स्लिप स्टिच नहीं लेंगे, सिंगल क्रोशिया लेंगे। और ये सिंगल क्रोशिया लेके जो लास्ट में ये जो हमारी चेन है यहाँ पर हम मार्कर लगा देंगे।
कि हमें पता रहे यहाँ से हमने शुरू किया है। इस तरीके से खींचेंगे तो ये थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से एक सर्कल बन गया हमारा। अब यहाँ पर हम फिर से हर एक चेन में से दो दो बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो ये यहाँ से हम, ये देखिए एक और ये दो, हर चेन में से हम दो दो बार सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसी तरीके से हम घूमते रहेंगे तो ये हमारे पास 18 स्टिच हो जाएंगी। इसके बाद हम नहीं बढ़ाएंगे। दो दो बार सिंगल क्रोशिया ले लिया। यहाँ पर ये देखिए हमने मार्कर लगाया था तो यहाँ से हटा देंगे और इस चेन में से भी हम दो बार सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, एक और ये दो। फिर ये चेन पर हम इस तरीके से मार्कर लगा देंगे जिससे कि हमें पता रहे यहाँ पर हमने शुरू किया था। तो स्लिप स्टिच हम कहीं नहीं ले रहे। अभी हमारे पास डबल स्टिच हो गई है, नौ थी अब 18 हो गई है। अब इन्हीं 18 से हम कम से कम 6 रो हम इसी तरीके से हर चेन में से एक एक बार जो है सिंगल क्रोशिया लेंगे और मार्कर को यहीं पे आके लगा देंगे जिससे हमें पता रहे कि हमारी एक रो तैयार हो गई, अब दो हो गई। तो इस तरीके से हम 6 रो तैयार कर लेंगे। हर एक में से हम एक एक बार ले रहे हैं। देखिए जो है एकदम गोल नहीं बना रहे, थोड़ा लंबा बना रहे हैं, इसलिए हमने ज़्यादा स्टिच नहीं बढ़ाई है। 9 से 18 कर दिए, उसके बाद ही हमने मार्कर लगा दी। यहाँ से हमने बनाना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6, ये छठी हमारी यहाँ से घूम के आ गई है। 6 रो हमने बना लिए। अब हमें क्या करना है, 2 का 1 करना है, यानी कि ऐसे बनाया फिर एक बार और ऐसे बनाया, 2 स्टिच हो गई, 2 का 1 कर दिया, यानी कि ऐसे हम घूम के आ जाएंगे फिर से एक बार फिर एक बार। तो ये छोट बंद कर रहे हैं अब हम इसको, एक बार लिया फिर दूसरी बार लिया फिर 3 का 1 कर दिया। इस तरीके से हमारा ये होल छोटा हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम रुई भरेंगे। एक बार लिया, 2, जैसे हमने 2 हर चेन में से 2 लिए थे, अब ऐसे हम 2-2 घटा रहे हैं, 1 और ये 2, 2 तीनों को एक साथ, फिर 1 2 और तीनों को एक साथ। ये देखिए होल हमारा छोटा हो गया, यहीं तक आ जाएंगे मार्कर, ये हमने निशानी लगाई कि यहाँ पर हमारा ख़त्म होना है। तो ये देखिए 1 और ये 2 और 3 का 1, और यहाँ पर हमारी एक स्टिच ले लेते हैं, हम यहाँ छोड़ देते हैं। अब इसके अंदर हम रुई भर देंगे, फाइबर वाला रुई भरिए आप, या फिर ऊन, टूटी फूटी ऊन होती है वो भर दीजिए जिससे ये वाशेबल रहे, यानी अगर हम दूसरी रुई भरेंगे तो थोड़ी भारी हो जाएगी। तो इसके अंदर हम कुछ भी ऐसा कुछ भर लीजिए। इसके अंदर अच्छे से रुई भर दी है, ये हटा देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, और इसको अब हम बंद कर देंगे यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। तो ये इसी तरीके से देखिए, चाहे तो आप सुई की हेल्प से भी बंद कर सकते हैं। 1 और ये 2 इसी तरीके से हमने लिया, फिर 1 और ये 2 स्टिच ली, फिर हमने 3 का 1 कर दिया। ये देखिए इस तरीके से हमारा होल जो है बंद हो गया है। यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। ये देखिए ये अभी हमने पूरा बंद नहीं करना, इसको थोड़ा सा हमने छोड़ दिया क्योंकि इसके अंदर हम जो है अपनी डोरी जो है वो भी हमने लगानी है। तो ऐसे ही हम दूसरा वाला भी बना लेंगे। पोंचू बन के तैयार हो गया है, जो कि हमने 1 साल से 2 साल तक के बच्चे के लिए बनाया, लेकिन ये 2.5-3 साल तक बच्चा आराम से इसको पहनेगा। तो यहाँ पर आप जैसे फ्लावर की जगह कोई बटरफ्लाई वगैरह आप लगा सकते हैं, कुछ भी ये आपकी चॉइस है। और ये जो हमने डोरी बनाई है आप पम्पम जो दूसरे वाले भी लगा सकते हो, लेकिन जैसे हमने बताया ये 1 साल तक के बच्चे का भी हमने इसमें टाइमिंग दिया कि 1 साल से 2 साल, तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं अक्सर इसको मुंह में देने लग जाते हैं, बच्चों को पता नहीं होता, तो उसमें जो पम्पम के जो धागे होते हैं वो उनके मुंह में खींच भी लेते हैं, वो तो दिक्कत होती है, तो सेफ नहीं रहते, ऐसे बच्चे के लिए अच्छे रहते हैं। तो आप
ये मैंने पूरा बच्चों छोटे बच्चे को ध्यान में रखते हुए बनाया, इसलिए मैंने नेक पे भी आपने देखा आधे हिस्से में ही मैंने डोरी डाली जिससे कि बच्चा डोरी को खींच लेता है तो उसको गले में ना फंसे, और बाजू वाला बनाया जिससे कि बाजू में सेफ, यानी कि दोनों बाजू जब उसकी रहेगी तो आराम से बच्चा खेल सकता है और पोंचू उसका छाती पर ही रहेगा, यानी कि उसको ऐसे ऐसे पकड़ के खींच रहा है या घुमा रहा है। तो मैंने छोटे बच्चे के हिसाब से इसमें नीचे की तरफ लटकन भी नहीं लगाई है। तो ये हम बड़े बड़े के लिए अगर बनाना तो हम जो लटकन वगैरह ये सब पम्पम ऊन वाले बना सकते हैं, गले में पूरे में डोरी भी डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़े वो समझदार होते हैं, उनको थोड़ा छोटे बच्चे को इस चीज़ का पता नहीं रहता, तो इसलिए पोंचू जब भी बनाए तो ये चीज़ें ज़रा थोड़ा ध्यान में रखें छोटे बच्चे, क्योंकि मैंने एक बार देखा था बच्चे के गले में फंस गया था, तो भी मेरे को ये चीज़ ध्यान में आई तो मैंने इस तरीके से आधे हिस्से में ही डोरी डाली, या प्लास्टिक भी डाल सकते हैं। तो डिज़ाइन भी थोड़ा सा मोटा बनाया मैंने जिससे बच्चे को ठंड ना लगे, देखिए, और बेबी ऊन से बनाया है, बहुत ही सॉफ्ट ऊन है। आप इस तरीके से बच्चे का जब भी छोटे बच्चे का बनाए तो बेबी ऊन से हो या कोई भी सॉफ्ट ऊन लीजिएगा जिसमें मुंह में रेशे ना आए, ऐसे इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पोंचो पसंद आया होगा और आप भी अपने किसी को गिफ्ट करेंगे, जैसे मैं भी एक गिफ्ट करने वाली हूँ इसको, ठंड आने से पहले मैंने इसलिए बना दिया है। ज़्यादातर मैं नीटिंग का काम मतलब कि गर्मियों में ही करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ऐसे जो है नीटिंग का कुछ भी मैं कुछ नया बनाती हूँ तो आप उनको देख सके। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप कैसे देखोगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।